हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और टर्म्स को समझेंगे, लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेटर्स, क्रेडिटर्स. ओके, ये पार्ट 3 है आपके चैप्टर 2 का. पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. आज हम कुछ और टर्म्स को समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ इनकम. इनकम क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, ठीक है. आपने एक सोफ़ा मैन्युफैक्चर करवाया, उस सोफ़े को बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए होगी, फेविकॉल चाहिए होगा, आपने जो लेबर ने बनाया आपने उसको भी पैसे दिए होंगे. ऐसे करके आपका जो सोफ़ा पड़ा वो पड़ा आपका 20,000 का, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट लगी उसको बनाने में. अब भाई जब आप बेचोगे तो फ़ायदा तो करोगे ना. आपने उस सोफ़े को बेचा 30,000 रुपये का, ठीक है, तो वो आपने करी सेल. अब देखो, जो वो सोफ़ा बनाया वो लगी मेरी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, उस गुड्स को, जिस गुड्स को मुझे बेचना है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस, मतलब मेरा 20,000 का हुआ खर्चा. अब मैंने जो कस्टमर आया उसको बेच दिया, उस कस्टमर ने मुझे 30,000 रुपये दे दिए उस सोफ़े के, तो वो हुआ रेवेन्यू, जो मुझे उस सोफ़े को बेच करके जो पैसा मिला. अब देखो, 20,000 की चीज़ की प्राइस पैसा लगा मेरा, बेच रही हूँ मैं उसे 30,000 का, तो 10,000 का मुझे क्या हुआ, सरप्लस, मतलब फ़ायदा, उसी को हम बोलते हैं इनकम. तो चलिए अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. इनकम इज़ डिफरेंट फ्राम रेवेन्यू. इनकम जो होती है वो अलग होती है रेवेन्यू से. तो अमाउंट रिसीव्ड फ्राम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसिस. और सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसिस इज कॉल्ड इनकम. जो भी सरप्लस मतलब फ़ायदा, जो भी रेवेन्यू हुआ ज़्यादा एक्सपेंसिस से उसे हम बोलेंगे इनकम. तो इनकम क्या होती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिस. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमारे खर्चे. एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स. मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, वो क्या है, खर्चा है, ठीक है. कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो, वो क्या है, खर्चा है. कोई सर्विसेज किसी को दे रहे हो तो वो भी क्या है, आपके खर्चे हैं. तो ये सब क्या आ जाएंगे आपके एक्सपेंडिचर में. अब एक्सपेंडिचर को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अनदर वन इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो चलिए फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं. कैपिटल, सीधी बात, जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका फ़ायदा आपको एक साल से ज़्यादा तक मिलने वाला है. एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड, जो भी खर्चे हो रहे हैं इन एक्वायरिंग, या तो आप उसको परचेज कर रहे हो या फिर अपनी अपनी फिक्स असेट्स की वैल्यू को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कि आप अमाउंट पैसा खर्च कर रहे हो बिल्डिंग को परचेज करने में, तो जो बिल्डिंग से जो फ़ायदा मिलेगा वो एक साल के लिए तो मिलेगा नहीं, ठीक है, एक साल से तो ज़्यादा ही चलेगी ना. प्लांट फर्नीचर ले रहे हो, फर्नीचर ये सब जो है वो एक साल में तो ख़राब होगा नहीं. तो जिसका फ़ायदा आपको एक साल से ज़्यादा मिले, जो खर्चा करने में आपको वो फ़ायदा मिले एक साल से ज़्यादा मिले, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब रेवेन्यू, अब इधर बात एक साल से ज़्यादा की आ रही है तो इधर बात एक साल से कम की आएगी. तो आप कोई भी खर्चा करो जिसका फ़ायदा आपको सिर्फ एक साल के अंदर ही मिले, मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ ठीक कराने की, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिल रहा है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब सिर्फ एक साल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट टर्म में ही समझाया था. रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स. इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार आप चीज़ों को बेचोगे तो ज़रूर, और जो भी चीज़ को बेचने से आपको जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू. बिजनेस करोगे तो भाई उसमें तो सेलिंग चलती है ना रोज़ का, ठीक है, तो बस वही चीज़, उससे जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो जाएगा आपको, जो गुड्स को बेच करके जो पैसा मिल रहा है वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू. नेक्स्ट वन इज डेटर्स. चलिए डेटर्स समझते हैं. डेटर्स क्या होते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई भी कस्टमर को उधारी पे पैसा दे, मतलब सामान दे दिया, ठीक है, अब वो इन फ्यूचर आपको पैसा देगा उस सामान का. तो जो भी आपने उधारी पे सामान बेचा है उसी को हम, उनको हम क्या बोलेंगे,
डेटर्स बोलेंगे. तो द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स ऑफ फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट. जिनको आपने उधार पे सामान बेचा है वो होंगे आपके डेटर्स, जिनसे आपको अभी तक पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है. अब क्रेडिटर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार पे सामान लिया है, अब आपको इन फ्यूचर उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी. द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट. अब आपने उनसे वही सामान क्या लिया, उधार पे लिया, और अभी तक आपने उनको पेमेंट नहीं दिया है, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स. होप आपको ये टर्म समझ में आए होंगे. मैंने क्लास 11th की अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी. प्लीज़ चैनल से जुड़िए और चीज़ों को समझिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी. बस थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.